सुपर्ब दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे से हैं। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 8:30, और जो है सबसे पहले आप मौसम देखिए, बढ़िया मौसम है, बढ़िया धूप आ चुकी है। तो नाश्ता हमारा रेडी हो चुका है। तो आज एक स्पेशल काम है, वो स्पेशल काम ये है कि कल हम लोग लेके आए थे 400 रुपये के प्याज के पेड़, तो आज खेत में लगाने हैं प्याज के पेड़। तो अभी जाएंगे, पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद जाएंगे। करते हैं फिर दिन की शुरुआत आपकी दुआओं के साथ, एक नए दिन की नए तरीके से करते हैं शुरुआत। हो जाइए शुरू। नाश्ता रेडी हो चुका है हमारा, कहाँ से अभी भी सोई है, अभी उठी नहीं है। नाश्ते में क्या है भाई? हरी सब्जी, दही, रोटी और हरी मिर्च। ठीक, तो ये है नाश्ते में। चूर यार, काम आलवा चूर खा ले। हाय हाय, तो मस्त है तो ऐसा ले जी, ऐसा ऐसा क्या ये तो आंसर को हो रहा डाउट। क्या ने वो क्या ने ये है चूड़ी, ये बना रखे हमने चूड़ी जो बाहर को बोलते हैं ना पोहा। पोहा ये हमें क्या मिशेल पड़े जो पोहा बनाते हैं ना, वही है ये, हम ऐसे खा जाते हैं इसको। तो अब जो है हम लोग चलते हैं खेत में, आराम से मैं बोल रहा हूँ, कहीं इतानसी ने अगर सुन लिया ना तो हमारे पीछे पड़ जाएगी, फिर चले आएगी रोते रोते। चले फिर तो दिखा दी थोड़ा प्याज, ये पेड़ हैं, सब प्याज के पेड़ हैं, ये देखिए सब हमने लगाने हैं। ठीक, तो होटल हमने रखे हैं, एक दराती है खिलाई वो कब कब और बाल्टी कब बाल्टी ना। तो सिंचाई करने के लिए मैं लेके जाऊँगा कप और बाल्टी। ठीक, ले जाता हूँ, तो मिलते हैं आपसे आगे। चला फिर, तो क्या घास चल रहा है चूड़ को। फूल देखिए आप एकदम, ओ मान है यार, बोल दे ये साइड से ले जाऊँ रहा है यार। हाँ सही है, तुम्हें लगा है प्याज और सब्जी खाते। तो अभी टाइम जो है 10:30 हो चुके हैं, अब पहुंचने वाले हैं हम लोग अपने खेत में। ये मान के चलिए 7-8 महीने पहले हम यहाँ पे आए थे, उस दिन हमने यहाँ पे प्याज लगाया, लहसुन भी लगाया, सिंचाई की आपने देखा होगा ना। कोई बात नहीं, 7-8 महीने ये साल भी खुद हूँ, 7-8 महीने मतलब अप्रोक्सी भी ना। काफ़ी दिनों के बाद इस खेत में आने का हो रहा है। सामने का व्यू देखिए एकदम कमाल का, हिमालय का ये देखिए। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं खेत में, ये हमारा खेत, ये हमने बना रखी है नाली, वहाँ से पानी कनेक्ट करेंगे तो पानी इसमें आएगा, फिर बाल्टी को भर के इसमें करेंगे हम लोग सिंचाई। तो ये वाली जो एरिया है इसमें है लहसुन और आगे है धनिया, ये वाला जो एरिया है ना इतना, यहाँ से ये इतना इतना इसमें लगाएंगे हम लोग प्याज। ठीक, इतना है प्याज हमारे पास, तो लगाते हैं फिर प्याज और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और जो है धूप तो शानदार लगी है, ठंडा भी हो रहा है, ठंडी हवा चल रही है, लेकिन साथ में धूप है तो मज़ा मतलब सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आसमान देखिए एकदम क्लीन है एकदम, और ये है हमारा खेत, पूरा खेत का व्यू आप देख सकते हैं ऊपर। तो अभी टाइम जो है 12 बजने वाले हैं, और प्याज जो है हम लोग लगा रहे थे यहाँ पे, और अब आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे लग चुके हैं, इन्होंने अपना प्याज व्याज लगाया। उसके बाद जैसे ही मतलब हमको देखा कि हम लोग अकेले बच गए थे खेत में, ठीक, और टाइम भी ज़्यादा हो रहा था, तो सब ने एकता दिखाई, अभी सब लोग लग चुके हैं यहाँ पे। ये चाची लोग लगे हुए हैं यहाँ पे, अम्मा है, ये देखिए इनका अपना काम हो चुका है। तो अम्मा तुम्हें लगे है प्याज है, थोड़ा लगा रहो, पैसे नहीं है,
अच्छा क्या हाँ। बी तो ला रही क्या बुब 250 रुपए प्याज है की भी फिर अरे कम है क्यों ने अरे कम ही क्यों हाँ। दोबारा ला ला पे ओए अच्छा अच्छा दोबारा लोन भाई यक क्या रे मा रोज दा अच्छा एक क्या रे मा यक क्या रे मा रा लोन क्या पहले अंदाज ने लगाए खुद क्या रे मोनी हूं खुद होनी हो प्याज अरे बुढ़ा इमी कोनी बुढ़ा प्याज ला हो बुढ़ा हल बलान ब्याज दे ले या कोनी देखिए ये अम्मा लग चुकी है अपना काम करके ये चाची लोग लग चुके हैं ठीक यही हमारे गांव की सबसे बड़ी एकता है अब जल्दी हो जाएगा मतलब इतना प्याज अभी बचा हुआ है ये साइड तो लगभग लग चुका है उस साइड ये वाला एरिया बचा हुआ है ये धनी में लहसुन ये हुई बस तो जब मैं यहाँ पे लगा रहा था ना प्याज अभी थोड़ी देर पहले तो मेरे को थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा था तो लेडीज़ लोग ज़्यादा काम करते रहते हैं ना खेतों में तो इनके हाथ जो है थोड़ा ज़्यादा जल्दी चलते हैं तो अभी इतने सारे लेडीज़ लग चुके हैं तो काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा तो आप ये मान के चलिए कि हमें अगर हम दो लोग वहाँ पर प्याज लगाते ना तो लगभग 2.5 से 3 घंटे लग जाते अब 3-4 लेडीज़ और आ चुके हैं तो मतलब ये मान के चलिए कि 1 घंटे में काम हो जाएगा तो तब तक मैं कर लेता हूँ सिंचाई तो सबसे पहले भरते हैं पानी इसमें तो अब जो है प्याज हम लोग लगा चुके हैं सब ने बड़ी मदद की अच्छे से जल्दी हो गया 4 घंटे तो जहाँ पे हमारे 4 घंटे लगने वाले थे सिर्फ 1 घंटे में वो काम हो चुका है 3 घंटे हमारे बच चुके हैं अभी वैसे नहर के पानी को सीधे हम लोग खेत में भी डाल सकते हैं लेकिन बोला जाता है ना प्याज में अगर हम छटका के अगर पानी डालते हैं ना तो प्याज अच्छा वाला होता है ऐसा बोला जाता है अगर हम नहर का पानी लगा दें या पाइप से सिंचाई करें ना तो उससे बोलते हैं प्याज में मतलब वो वाली ताकत वो वाली जान नहीं आती वो जो प्याज का शेप होता है ना एक्चुअल बड़ा वाला शेप और जो उस पर जो सॉफ्टनेस होती है ना वो सॉफ्टनेस नहीं आती फिर अगर हम पाइप से सिंचाई करते हैं या नाली से या नहर से सिंचाई करते हैं तो इसलिए छटका के डालना ज़रूरी है ऐसे लेकिन ऐसे क्या हो रहा ना हाथों में दर्द हो जा रही है लेकिन प्याज खाना है तो ऐसे करना ही पड़ेगा फिर तू घर की सारी अब मेरे पर प्याज हैरी प्याज लगूनी कोई बात नहीं सबसे ज्यादा प्याज तू खाली नहानी में मेरा जोई लागे है जोई लागे मेरा कोई बात नहीं ये तो टोड़ तू ज्यादा खा ली प्याज हां मेरे हाथ में हो गया दर्द तो ये करेगी ये देखिए सारा खेत आप देखिए अब इस साइड को थोड़ा सा बचा हुआ है अरे चाची बताइए बाजार भी होने वाला तो सिंचाई हो चुकी है हम लोग कर चुके हैं सिंचाई प्याज भी लगा चुके हैं धनिया लहसुन पहले से लगाया था हमने यहाँ पे तो आज प्याज का काम हो चुका है कंप्लीट तो अब चलते हैं घर की ओर खाना नहीं खाया है घर जाके खाना खाएंगे सबसे पहले भूख काफ़ी ज़्यादा लग चुकी है तो ये शायद ये तो बाद में आएगी टहलते हुए आराम से कब खा ली तू ब्याह को तो खा ली तो ये अपने साथ वालों के साथ आएगी आराम से टहलते हुए मैं चलता हूँ सीधे हाथ हाथ धोता हूँ मैं कीचड़ कचार मिट्टी लग चुकी हाथ में ठीक और तो मैं चलता हूँ फिर घर में आज तो वैसे धूप काफ़ी ज़्यादा लगी है मुझे ऐसा लग रहा है महसूस हो रहा है जब से आए तब से बॉडी कंटिन्यू चलने में है ना गर्मी भी हो रही है अंदर से और धूप आ रही है तो गर्मी थोड़ा ज़्यादा महसूस हो रही है हमारे पूर्वजों का हमारे पितरों का सबसे पुराना धारा आप इसे बोल सकते हैं ये वाला पानी हमारे पितरों ने पूर्वजों ने सबसे पहले पिया होगा उतना पुराना ये धारा है तो अगर खेत में आए और यहाँ का पानी हम ना पिए ऐसा कैसे हो सकता है इसलिए सबसे पहले ये पानी मैं पीता हूँ
तो चलते हैं फिर, पानी का टेस्ट हमने ले लिया है। एक डॉगी भी है हमारे पुराने मोहल्ले में, इधर जब भी हम इस मोहल्ले के आसपास से गुजरते हैं ना तो डॉगी आ जाता है पीछे पीछे, और काटने वाला भी है तो डर लगती है इससे। अभी सोया है यहीं पे आसपास में, सीधे चलना पड़ेगा, नज़रअंदाज करके इग्नोर करके चलना पड़ेगा। जी आँखों में आँखें अगर मिला दी ना तो काटने के लिए आता कुत्ता। ये बात है। अच्छा तो ये इधर डॉगी आ चुका है। तो चलते हैं अंदर। पत्ती पका नहीं पका पहले बता। पता पहले दादी ने खा लिया। पापा को भूख लगी। दादी ने पक दिया। पापा को भूख लगी। दादी ने खा दिया। पापा ने नहीं खाया, कौन देगा पापा को भात? जल्दी क्यों नहीं आए हो? पापा को कौन देगा भात? भात नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे? हैं? क्यों नहीं दोगे भात? क्यों नहीं दोगे भात? भात क्यों नहीं दोगे मुझे बताओ पहले। हैं? आइए, सुबह 10 बजे उठी, 10 बजे उठी ना आज? उठी नहीं उठी बता। हाँ बोल। हाँ। क्यों उठी फिर 10 बजे? पहले क्यों नहीं उठी तू आज? नींद आई। क्यों नहीं उठी तू पहले? नींद आई। नींद नींद आई। थो तो धो के आए, मुँह धो के आ जा, अभी चावल लगे। तो मम्मी तो ला चुकी यहीं पे खाना मेरे लिए। शर्मिला हो वह तो मैं मिर्च लेके आता हूँ यहाँ से, हरी मिर्च। शर्मिला हो तो जा। ओ हो आप नशे ना जाल। तो मिलते हैं फिर आपसे बाद में। जय हो। तो शाम की चाय आ चुकी है हमारी, अभी टाइम जो है 4 बजने वाले हैं, तो शाम की चाय आ चुकी है। आज रस था है, लेकिन ये गुड़ लेके आ चुकी है। अभी रस के साथ चाहिए चीनी वाली चाय। क्या रस हो? रस है बिस्कुट वाला रस। भैया अरे तो पीते हैं अभी चाय शाम की, और यही चाय। एक मिनट टूट टूट जाए बिस्कुट थी महामी ना खानी, पेट भेज रहा हूँ। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को क्यों फगना थाड़ू अपड़ो। ये चाय ही जस्ट बगल में है ना कहीं, फिर चाय गिर गई थी, अभी बाल बाल बच गई चाय। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। आई होप ये पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो है अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबाइए, क्योंकि इससे ही आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय टाटा। इतना से बाय बोल दे बेटा, बाय बोल दे।